हैं, दहिसर से जीपीएस लगाया था टुवर्ड्स उमरांडे वाटरफॉल। तो ये तीन रूट बताता है, आप मनोर ये रूट से भी जा सकते हैं, मनोर वाडा रूट, और आप थाना घोड़बंदर होके नासिक हाईवे से इगतपुरी के पहले खसारा घाट शुरू होने के पहले ही आप टर्न मार सकते हो टुवर्ड्स खोडाला। तो यह है खोडाला जंक्शन, और यहाँ से आपको जाना है, ये अपर वैतरणा डैम है, और ये रोड जाता है निरगुड़पाड़ा की तरफ, हरिहर फोर्ट का बेस है। तो ये निरगुड़पाड़ा, निरगुड़पाड़ा से आपको ये रास्ता लेना है टुवर्ड्स लेफ्ट, जो कच्चा रास्ता है, तो लो ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी के लिए दिक्कत होगी। और यहाँ पे और एक गांव है, और यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है। यह है, ये जो गांव है उसका नाम है जाम्बुलवाड़ी या जाम्बुलपाड़ा। तो यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है, और यहाँ पे उमरांडे गांव है। तो आप उमरांडे वाटरफॉल डालना जीपीएस में, क्योंकि उमरांडे आपको जीपीएस में दिखेगा नहीं, और ये जो मार्किंग है उमरांडे वाटरफॉल का, ये टोटली गलत है। यहाँ से ये गांव से उमरांडे वाटरफॉल का ट्रैक शुरू होता है, ये नदी के तरफ से आप देख सकते हैं, और भास्कर और उत्तवड़ के बीच में, तो यहाँ पे ये वाटरफॉल है उमरांडे, भास्करगढ़ और उत्तवड़ के बीच में है, एग्जैक्टली वी में, और उन दोनों का पानी यहाँ पे आता है। तो यह है भास्करगढ़ और यहाँ पे उत्तवड़ है। तो ये उमरांडे वाटरफॉल का मार्किंग गलत है, तो ये उमरांडे विलेज आपको यहाँ पे आना है। सो ये आप देख सकते हैं भास्करगढ़, ये भास्करगढ़, और ये जो मार्किंग है उमरांडे वाटरफॉल का वो गलत है। ये उत्तवड़ किला, इसे किला नहीं है, इट्स ए माउंटेन बेसिकली। तो ये जो वाटरफॉल है भास्कर और उत्तवड़ के बीच में है। अब मैं आपको इसका 3D व्यू बताता हूँ। सो ये है भास्कर, और ये पहाड़ है उत्तवड़। तो ये भास्कर और उत्तवड़ के बीच में ये पानी आता है, आप देख सकते हैं ये रिवर का फ्लो बीच में से। और यहाँ पे आके ये वाटरफॉल क्रिएट करता है उमरांडे वाटरफॉल। तो ये उमरांडे वाटरफॉल यहाँ पे, तो आपको ये जो नदी है उसके तरफ से आपको ट्रैक करना है, ये उमरांडे गांव, यहाँ से इसका ट्रैक शुरू होता है, और ये जो नदी आती है उसके दाएं तरफ से ट्रैक शुरू होता है, और लास्ट 10 मिनट आपको नदी में से ही जाना है टुवर्ड्स दिस वाटरफॉल। तो ये है लोकेशन। तो ये वाटरफॉल भास्कर और उत्तवड़ पहाड़ों के बीच में से आता है। नहीं दिख रहा, आप देख रहे हैं कि हमें कुछ नहीं दिख रहा। इंद्रधनुष तैयार होते हैं तो ये मार रहे तो देख लाइट ये दूसरा वाला लाइट वाला ये देख। घोड़े बेच के सोने वाले मेरे साथी निखिल, मिलिंद और मेरे जीजाजी मनीष। वी आर एट निरगुड़पाड़ा, ब्यूटिफुल विलेज। हरिहरगडाच्या पायथ्याशी असलेलं निरगुड़पाड़ा गावाकडून आम्ही निघालोय। बसगडच्या दिशेने जो रस्ता तो बसगड आहे, त्या दिशेने जो रस्ता असेल समोर दिसतोय तोच आहे का शितकडा? ब्यूटिफुल एटमोस्फियर। ये
मुझे रास्ता अच्छे से मालूम था, गौरव को चलाया था गौरव को राईटला आहे जांभूळपाडा आणि इथून लेफ्ट घ्यायचं आहे आपल्याला शितकडा धबधब्याकडे जाण्यासाठी. हमारा प्लॅन ॲक्च्युली शितकडा धबधबा जाने का था, शितकडा वॉटरफॉल, जिसका व्लॉग मैं अगली बार बनाऊंगा. तो ये प्लान कैसे चेंज हुआ वो सब मैं एक्सप्लेन आपको अगली बार करूंगा. इस बार उमरंडे वॉटरफॉल का मजा लीजिए. दिस इज उमरंडा गांव ऑन द सुन लिया ना, वो तो कैमरे ने सुन लिया, दीदी बोला वो सुना ना कैमरे में. हाउ उमरंडे वॉटरफॉलकडे चाललोय आम्ही. बघा सगळे किती मिनिटं लागेल बेटा? 15 मिनिटं लागेल अकॉर्डिंग टू हिम. जायला 8 तास लागेल. अरे वा मस्त. सो हा उमरंडे गाव आहे आपल्याकडे ना, आपण धबधब्याकडे चाललोय. ब्युटिफुल विलेज, एज यू कॅन सी गोइंग थ्रू द विलेज ऑफ उमरंडे टुवर्ड्स द वॉटरफॉल. फ्लॅग्स ऑन एव्हरी हट्स, दिस शुड बी द डेडिकेशन. एज यू कॅन सी माय पार्टनर फॉर द ट्रेक्स. ब्युटिफुल व्ह्यू एज यू कॅन सी निखिल, ब्युटिफुल डोंट यू थिंक? So we are going to this Umrande waterfall again, one very beautiful waterfall as you can see, and not very far from Umrande village. Hey punter log, hey hey, ha pan tempo traveler yenar ka tu mereko. ब्यूटीफुल इज़न्ट इट? ओए रुको इधर देखो. ए ओए इधर क्या बाकी पंटर लोग. ये जी ब्यूटीफुल क्रॉसिंग ऑफ द रिवर. सो लवली. Lovely surroundings. Beautiful.
यह वाटरफॉल उमरांडे गांव से 40 से 50 मिनट की दूरी पर है और सीधा सीधा ट्रैक है, ज़्यादा कोई मोड़ नहीं है। इस ट्रैक के आखिरी 10-15 मिनट आपको पानी में सही चलना है, इसलिए भारी बारिश में ये ट्रैक ना कीजिए, क्योंकि अगर पानी बढ़ गया तो आपको ये रिवर क्रॉस करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। ए, देखो इधर, सो आई थिंक सो विद इन 5 मिनट्स विल रीच, सो यू कैन सी द टॉप ऑफ द वाटरफॉल। लवली वॉक, इजी ट्रैक, वेरी रिलेटिवली इजी। सो एंटरिंग इन टू द जंगल नाउ। Final frontier. So there it is. Beauty is waiting for us. Beauty.